What's up YouTube family, welcome back to the channel. तो गाइस इस वीडियो में हम ना अपना बहुत मोटा खर्चा करने वाले हैं. तो सबसे पहले होने वाला है इस बाइक का टायर चेंज, और हमने भी छोटा सा वर्न आउट मार दिया था तो हमारा भी टायर थोड़ा घिस गया. बाकी आज का हमारा प्लान यही है, हम नया हेलमेट खरीद रहे हैं, इंटरकॉम ले रहे हैं, ग्लव्स ले रहे हैं. तो यू नो खर्चा खर्चा खर्चा, तो लेट्स गो, अभी चलते हैं हम लोग सब साथ. और खन्ना भाई अपने बुलेट पे है क्योंकि इनकी GT का एक्सीडेंट हो गया, छोटा सा एक्सीडेंट, यू नो माइनर एक्सीडेंट हो गया था. भाई क्या हुआ भाई, सेल्फ नहीं है क्या? कहाँ गई आपकी GT, कहाँ गई 650 ग्रीन वाली? बेचारा परेशान है, जैसे GT बोलते परेशान हो जाता है. लेट्स गो ब्रदर्स. धक्का मारे भाई, स्टार्ट नहीं हो रही आपकी बुलेट. अरे ये वाली बुलेट तो हो गई. सुन, धीरे, ज्यादा तेज नहीं चलना, धीरे धीरे चलेंगे ठीक है. हाँ तो सीन अभी ऐसा है, हम जा रहे हैं गुप्ता राइडिंग स्टोर करके एक जगह है, तो वहाँ के बारे में मैं तुम्हें सारी चीज़ें बताऊँगा, वहाँ के दिखाऊँगा सीन क्या है. हम हैं फिलहाल अभी गाज़ियाबाद में, तो लोकेशन मैं नीचे डाल दूँगा सब वहाँ की जो भी होगा. तो अभी चल रहे हैं वहाँ पे हेलमेट लेने. प्लान अभी है कि MT का लेना है, बाकी देखते हैं कोई ज़्यादा अच्छा लग गया तो वो ले लेंगे, वरना अभी प्लान MT का ही है. पर एक चीज़ मैं तुम्हें बताऊँगा एक्सोर के बारे में, वीडियो एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि वीडियो के एंड में एक चीज़ तुम्हें बताने वाला हूँ कि एक्सोर हेलमेट कभी मत लेना. बस क्यों नहीं लेना वो बताऊँगा वीडियो के एंड में. एंड मौसम आज का बड़ा प्यारा हो रहा है, बस बारिश ना आए एक चीज़ की दिक्कत है. अगर बारिश आ गई तो सब प्लान ख़राब हो जाएगा ब्रदर, क्योंकि हेलमेट मैं लेके आने वाला हूँ घर पे, और घर पे तुम्हें पूरा अनबॉक्स करके दिखाऊंगा. डब्बा वगैरह सब बाइक पे रख के लाने वाला हूँ, वो नहीं पता मुझे कैसे आएगा, पर हाँ आएगा ज़रूर. सीन अभी ये है कि वहाँ पे शायद कार्तिक भाई भी आने वाले हैं, उन्हें भी कुछ सामान लेना है, तो वो भी अपनी हार्ले लेके आ रहे हैं. एक बहुत ही एक्सक्लूसिव बाइक मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में. एक तो ये रही हार्ले हमारी, और एक और हार्ले दिखाने वाला हूँ जो बहुत ज़्यादा प्यारी है. अरे 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 अरे, एवरेज छपरी हार्ले राइडर छपरी हो गया, छपरी हो गया भाई, छपरी हो गया. आप फॉलो दिस छपरी गाय ब्रदर. गाइस एक चीज बताओ, इसका जो तुम्हें हेलमेट दिख रहा है इसका प्राइस मुझे तुम बताना कितना होगा. तो हेलमेट का कॉस्ट मुझे ज़रूर से बताना कौन सा है और कितना है. कोई एग्जॉर मत बोलना इसको ठीक है, बेसी मत करना भाई की. हाँ तो कई सीन अभी ये है कि हमने सिद्धार्थ की बाइक का टायर उठा लिया है और अभी हम जा रहे हैं उसको फिट कराने. तो मिलते हैं अब तुम्हें सीधा हम फिटमेंट. ऐसा है इसका टायर का काम हो गया, एंड हम अभी निकल रहे हैं हेलमेट लेने के लिए फाइनली इतनी देर के बाद, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लग गई इस वाले टायर में. और टायर इसका काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है ये वाला. सीधा मिलते हैं तुम्हें स्टोर पे जहाँ से हम हेलमेट लेने वाले. तो लेट्स गो, यहाँ से पास ही है सीधा सीधा, अराउंड 6 किलोमीटर है, तो मिलते हैं वहीं पे. भाई हियर वी आर, हमारी बाइक पार्क हो गई, हम पीछे वाले गोडाउन में जहाँ पे सारा सामान होता है, तो जाते हैं अब हेलमेट देखते हैं क्या सीन है उनसे लेना. सबसे पहला जो हेलमेट था वो था थंडर 3, और ये है हमारा थंडर 4. वाइजर तो बंद करो, एक बार लुक देखता है ना, लीन करना, एक बार लीन करना हैंडल पे. हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल. ये क्या जनता माफ नहीं करेगी. तो भाई सीन अभी ऐसा हुआ है, हमने हेलमेट और ग्लव्स और इंटरकॉम ले लिए, वो दिखाऊंगा तुम्हें अच्छे से घर पे जाके. कार्तिक भाई भी आ गए, और एक तुम्हें स्पेशल बाइक दिखाता हूँ. हियर इज द माइटी टेना, जो कि इतनी ज़्यादा सेक्सी लग रही है. एंड सामने देख रहे होंगे तुम, कार्तिक भाई भी आ गए, उन्होंने थोड़ा बहुत सामान लिया है. और आज इनकी बाइक में तुम्हें दिखाऊँ, मैं ढूंढता हूँ कहाँ खड़ी है, आपको ढूंढ रहा हूँ. ये रही हमारी GT इधर, एंड आज कार्तिक भाई लेके आए एक स्पेशल बाइक, तो तुम्हें पहले बाइक दिखा देता हूँ. तो ये रही हार्ले रोडस्टर जो है 1200 cc, ये है ल्यूमिनोर की, जो कि इसमें लाइट वगैरह जलती है. शायद तुमने देखा होगा, अगर रात में मैं मतलब टाइम लगा तो ज़रूर से तुम्हें इसे रात में भी दिखाऊँ कितनी सेक्सी लगती है ये वाली भाई. तो लेट्स गो. तो भाई काम हो गया डन, ये रहा हमारा हेलमेट जो पीछे हमने बांध दिया है, और इधर कार्तिक भैया जो कि बूट्स लेके जा रहे हैं. अगर एक चीज़ तुम्हें सजेस्ट करूँगा, अगर कोई भी राइडिंग गियर लेना है, कुछ भी तुम्हें लेना है, मतलब हेलमेट वगैरह, इतने रीजनेबल प्राइस है भैया के, मैं बता रहा हूँ पूरे करोल बाग, पूरे दिल्ली NCR में इनसे सही प्राइस किसी के नहीं है. लोकेशन नीचे डाल रहा हूँ, भैया का नंबर नीचे डाल रहा हूँ, तो तुम
कोई भी चीज़ चाहिए सब चीज़ अरेंज करके दे देते हैं। लेट्स गो, अब चलते हैं यहाँ से, सारी जो हमारा गैंग है पूरा सारा साथ चलेगा, तो निकलते हैं। तो गाइस फाइनली गुप्ता बाइकिंग गियर्स, लोकेशन नीचे। पहले बता दूँ कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, जो चीज़ मुझे अच्छी लगी बस मैं वही प्रमोट कर रहा हूँ। इतना ये हेलमेट मुझे कहीं नहीं मिल रहा था पूरे दिल्ली में, करोल बाग में पता कर लिया था कि टाइम लगेगा मंगा देंगे, पर इनके पास स्टॉक में पड़ा था। और बहुत सारी चीज़ें मैंने ली है, वीडियो में तुम्हें बताऊंगा मैं आगे क्या क्या मैंने लिया है। और उधर कार्तिक भाई की ये जलती हुई हार्ले, भैया लाइट जलती है इसमें, जला के दिखाओ ना एक बार। चलो गाइस लेट्स गो। तो भाई सीन अभी ऐसा है, हेलमेट तुमने देखा ले लिया और स्टोर का नंबर नीचे, लोकेशन नीचे सब आ गई होगी। अगर तुम दिल्ली गाज़ियाबाद कहीं भी रहते हो, एक बार मेरे बोलने से करोल बाग छोड़ के यहाँ पे आओ और यहाँ से सामान लो और नाम ले देना एक बार बस कि उनके थ्रू आए तो तुम्हें अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। और गारंटी लेता हूँ मैं इस चीज़ की, ऐसा प्राइस जो यहाँ मिलेगा वो तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाला। भैया यार बहुत जेन्युइन है, मतलब कोई फ्रॉडबाजी वाला सीन नहीं, जैसे करोल बाग में हर जगह फ्रॉड चलता है ना, वो सीन नहीं है इनका बिल्कुल भी। और सामने जा रहे कार्तिक भाई नए बूट्स लेके, अपने पार्टी हो गई, ये देख रहे हो रेड कलर लिया है जो लाल है, सारे बूट्स जो है रेड कलर के हैं इनके और जीटी भी रेड कलर की है हमारी। अपने हेलमेट का डब्बा चेक करते रहते सेफ रखा है कि नहीं रखा है, क्योंकि कुछ पता नहीं उड़ जाए भाई। तो गाइस वी आर होम एंड फाइनली अपना हेलमेट जो है ना आ गया है मेरे सामने, तो मैं दिख रहा है जो रखा है। तो प्रेजेंटिंग यू अ न्यू हेलमेट, कौन सी कंपनी है कमेंट करके बताओ कौन सी कंपनी है। तो ये तुम्हें दिख रहा होगा बाहर इस पे एरो, तो ये जो कंपनी है एरो करके जो है, तो इसके हेलमेट तुम्हें पता ही है कितने अच्छे आते हैं, क्या सीन है सारा। पर यहाँ एक ट्विस्ट है, छोटा सा ट्विस्ट है कि अभी दिखा दो तुम्हें, दो मिनट दो। अरे अरे एरो की जगह एमटी आ गया ब्रदर तो ऐसा ही सीन है कि जो हमारा कवर था वो अलग था, वो गलती से मैं अलग उठा लाया, वरना एमटी का ही था साथ में। ये है हमारा नया हेलमेट द एमटी थंडर 3, जो कि क्या ही प्यारा लग रहा है। इसका स्पॉइलर तुम देखो जरा पीछे से, क्या प्यारा लग रहा है। बाकी ग्राफिक्स मैंने नहीं लिया है क्योंकि यू नो ब्लैक, वंस यू गो ब्लैक यू नेवर गो बैक, तो ऐसा वाला सीन है। ये ब्लैक ही ज्यादा प्यारा लग रहा था मुझे। और इसका मैं जो वाइजर है ये भी मैंने लिया है खुद से अलग नया, तो ये टिंटेड वाइजर है ब्लैक, ये हमने अभी तक नहीं उतारा, तो चलो साथ में उतारते हैं इसका, फिर देखते हैं वाइजर कैसा निकल के आता है। तो आओ थोड़ा कम क्लोज बेबी, तो देखो धीरे धीरे पील ऑफ करेंगे। क्या कह रहे हो एजी भी लग रहा है तो बिल्कुल। तो ये सबसे सेटिस्फाइंग पार्ट हेलमेट लेने के बाद यही होता है कि ये वाली पॉलिथीन जो हटाना, वो क्या प्यारा लग रहा है ये हेलमेट देखो तुम जरा यार, क्या ही अच्छी लग रहा है। मतलब कैसे भाई प्यार हो जाएगा इस हेलमेट से। और इसकी शेप जो है ना तो थोड़ी थोड़ी एजीवी की तरह मेरे को लग रही है, पीछे बैठ जाते एक बार। तो सबसे मेन जो अट्रैक्शन इस हेलमेट का है वो मेरे लिए है ये स्पॉइलर, क्योंकि ये पीछे से जो लुक देता है ना और साइड से इतना शार्प जो है इसका, ये बहुत ही प्यारा लग रहा है मुझे। सबसे अच्छी चीज़ मुझे इसमें क्या लगी है कि इसका इसमें सनग्लासेस भी आते हैं, जो ये एक्स्ट्रा ये कभी यूज़ नहीं आते बल्कि, पर आते हैं तो हाँ ठीक है। और एक और अच्छी चीज़ है कि इसमें डीरिंग नहीं आता है। हाँ हाँ मानता हूँ डीरिंग ज़्यादा सेफ होता है, पर ये भी सेफ है। एमटी का जो 12,000 का हेलमेट है जो सबसे अभी ऊपर चल रहा है थंडर 4, उसके अंदर भी यही नॉर्मल वाला लॉक सिस्टम आता है, तो ये काफ़ी ड्यूरेबल है एमटी का, तो इसमें दिक्कत नहीं है। तो बार बार जो ग्लव्स उतारने की जरूरत नहीं पड़ी, खाली एक पुल करा और ये बाहर आ जाएगा, तो ऐसा वाला सीन है। हेलमेट कमेंट करके बताना मुझे कैसा लगा। बाकी अभी तक इस पर हमने कुछ सेटअप नहीं किया है अपना, जो यहाँ पे गोप्रो वाला माउंट लगेगा वो भी नहीं लगाया, कुछ भी नहीं है, वो ऑर्डर कर दिया है तो वो आ जाएगा। इसके लिए देखो यहाँ पे गोप्रो का वो लगाने के लिए काफ़ी स्पेस भी है हमारे पास, तो हेलमेट को साइड रखते हैं, अब हो गया हमारा। एक बार पहन के दिखाया, पहन के तुमने देख ही लिया वीडियो में, तो अब मैं तुम्हें और चीज़ें दिखाता हूँ मैंने वहाँ से क्या क्या ली है। तो उसके बाद आता है हमारा इंटरकॉम, जो कि है हमारा M10 बूम करके परानी का, जो M10 है वो सबसे बेस्ट है भाई अभी। एंड नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होने वाली है वो परानी के ऊपर ही होने वाली है, तो इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, इसकी अनबॉक्सिंग होगी, हेलमेट पे लगा के तुम्हें से दिखाएंगे, सब चीजें उसी में होने वाली, तो इसको अभी साइड रख देते हैं। बाकी ये हमारा हेलमेट का बॉक्स है, कुछ ऐसा दिखता है, देखो एमटी ब्रो एमटी, इसको साइड रखते हैं। एंड एक और चीज मैं तुम्हें बता दूं, एक्सोर जो हमारा पुराना हेलमेट था, ये उठाने में मुझे इतना हैवी फील हो रहा है क्या ही बताऊं तुम्हें। जो मैं माउंट की बात कर रहा था, ये ब्लू आर्मर का माउंट आता है स्पेशली इसके लिए, मैंने लिया था ब्लॉगिंग के लिए, सबसे बेस्ट है। देखो भाई अभी तक मेरा रुका हुआ है, 2 साल हो गए हैं,
तो ये हेलमेट अभी ज्यादा खराब हो चुका था, इसकी कंडीशन ज्यादा खराब थी, वाइजर पूरा टूटा हुआ है, इसका जो क्लिप होती है यहाँ से वो सारी गई हुई है। ये पैडिंग देखो इसकी कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है, मतलब मैं ये तीसरी पैडिंग डाल रहा हूँ इसमें खरीद के, फिर भी इतनी जल्दी जल्दी जो खराब होती है। तो मैं साइड बाय साइड दोनों हेलमेट की एक बार पैडिंग में दिखा देता हूँ। रुको ब्रदर, मेहनत है थोड़ी सी। तो ये देखो, शायद तुम्हें दिख रहा हो, शायद हाँ, तो दोनों में डिफरेंस तुम्हें दिख गया होगा कितना ज्यादा है। तो मैं एग्जोर के बारे में यही बोल रहा था कि एग्जोर यार मत ही लो तो सही है, क्योंकि ज्यादा एक तो वेट है इसके अंदर, और जो इसका एरोडायनेमिक है ना वो बाइक पे नहीं जाता, इसमें विंड ब्लास्ट बहुत ज्यादा फील होता है तुम्हें चेहरे पे। और जो अगर तुम व्लॉगिंग करते हो तो एग्जोर मत ही लेना, क्योंकि अंदर विंड ब्लास्ट बहुत ज्यादा आता है इस वाले हेलमेट के। तो इसीलिए रीजन था मेरा अपग्रेड करने का, और इसे हो भी 3 साल गए थे। तो यस, अपग्रेडेड टू एमटी। तब चलते हैं नेक्स्ट चीज पे जो हमने ली थी। ये दिख रहे होंगे तुम्हें ग्लव्स ब्रो। तो ये है अपने टारमैक जो करके एक ब्रांड है, उसके ग्लव्स हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छे हैं। ये फुल कॉन्ट्रैक्ट ग्लव्स लिए, एक बार तुम्हें पहन के दोबारा दिखा देता हूँ। 3 जगह से तो खुलता है ये। गर्मी हो रही है, पंखा बंद करके वीडियो शूट करनी पड़ रही है मुझे तुम लोगों की वजह से। तो कुछ ऐसे बंद होते तो कमेंट करके बताना मुझे अपने ग्लव्स भी कैसे लगे नए वाले। तो अब ज़्यादातर हो सकता है मैं यही पहनूं, या हो सकता है पुराने वाले भी पहनूं, तो देखते हैं, डिपेंड करता है मौसम कैसे। इनके अंदर गर्मी शायद लगेगी यार थोड़ी बहुत, तो क्योंकि है तो ऑल वेदर ही है, पर फिर भी गर्मी लगेगी, क्योंकि फुल वाले पहनने की मुझे आदत नहीं है। मैं हमेशा से जो शॉर्ट वाले होते हैं वही पहनता हुआ आया हूँ। तो यस, दूसरी चीज़ हमारी ये हो गई। बाकी वहाँ से मैं छोटी छोटी चीज़ें लाया हूँ, एक तो अपना ये चेन स्प्रे जो बाइक के लिए ज़रूरी है, तो नॉर्मल सबके पास होता है, और नया हेलमेट लेने के बाद तो हेलमेट सैनिटाइजर मेन होता है। ज़रूरी नहीं है नए के साथ भी हो, पुराना भी है तो सैनिटाइज करना बहुत ज़रूरी है हेलमेट को, कि हर बार तो तुम पैडिंग निकाल के धुल नहीं सकते। बाहर से भी साफ करने के लिए, वाइजर साफ करने के लिए सबसे बेस्ट यही चीज़ रहती है, हेलमेट सैनिटाइजर जरूर से ले लो। एंड जो हमारा एमटी वाला हेलमेट है उसका ये प्लेन वाइजर है जो उसके साथ में आया था, ब्लैक वाला मैंने अलग से लिया है। तो दोनों वाइजर अपने पास हो गए, कभी ट्रिप पे जाना हो तो ये वाला वाइजर लगा लिया। एंड दोनों ही वाइजर पिन लॉक रेडी है, तो मतलब तुम इसमें एंटी फुक लगा सकते हो अगर तुम्हें चाहिए। अभी तो जरूरत नहीं है तो अभी नहीं लगा रहे, हम भी बाद में लगाएंगे जब ट्रिप वगैरह पे जाना होगा कहीं भी। और ये देखो अपने एरो का ये तो ये गलती से मुझसे आ गया था। एंड मैंने एक और चीज ली है, एक बलाकलावा जो होता है ये देखो, पढ़ के देखो जरा तो ये भी हमने एक ले लिया एक्स्ट्रा की, एक तो है ही हमारे पास राइनोक्स का, पर ये भी जरूरी है तो एक और हमने ले लिया नया, ब्लैक मैच करने के लिए पूरा। पर एक बंजी थी जिससे हम हेलमेट बांध के लाए। तो इतना ही सामान था यार, एग्जोर के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया है क्या सीन है। बाकी तुम्हें कुछ भी सामान लेना है, राइडिंग गियर्स हो गए, ये सब चीज़ें हो गई, इंटरकॉम हो गए, सब चीज़ बहुत ही सही प्राइस पे तुम्हें वहाँ मिल जानी है। सारे राइडिंग गियर्स, इंटरकॉम, ये चीज़ें वहाँ बहुत सही मिलती है। सारी तुम्हें जो डिटेल्स है वो नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। बाकी जो अपना ये परानी है दोबारा बता रहा हूँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कर देना। एंड अगली वीडियो हमारी होने वाली है इसके इंस्टॉलेशन पे, इसको एमटी वाले अपने नए हेलमेट में लगाएंगे, और उसमें तुम्हें सारा ब्लॉगिंग सेटअप भी मैं लगा के दिखाऊंगा कि कैसे क्या सीन है। अगली वीडियो शायद ना हो इस बारे में, अगली वीडियो किसी और टॉपिक पर हो सकती है, पर हाँ ज़रूर एक वीडियो आएगी डेडिकेटेड इसके ऊपर कि अपना इंटरकॉम अपने हेलमेट में बेस्ट तरीके से कैसे लगाना है। तो यस, यही था आज की वीडियो में। इस वाले हेलमेट को भी मैं सोच रहा हूँ कि ब्लैक रैप करा दिया जाए, क्योंकि ये ब्लू से मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गया, उसके एक स्मोक वाइजर लेके और इसको रैप करा देंगे। जो हमारा पिलियन होगा, कभी अगर कोई साथ होता है, वैसे तो नहीं होता, अगर कभी कोई होता है तो उसको हम ये वाला हेलमेट पहना देंगे, और इमरजेंसी यूज़ में इससे ब्लॉक कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर हमारा पहले से वाला माउंट लगा है ब्लू आर्मर का, और एक नया माउंट ब्लू आर्मर का वो भी ऑर्डर हमने कर रखा है, तो वो 1-2 दिन के अंदर डिलीवर हो जाएगा। जैसे ही वो डिलीवर होगा उसको भी वीडियो में लगाएंगे, तुम्हारे सामने सारी चीज़ तुम्हारे सामने होने वाली है गाइस। पसीने आ गए भाई, क्या गर्मी है, मैं क्या ही बताऊँ, मौसम आजकल बहुत ज़्यादा पलट रहा है भाई, कभी एकदम बारिश होने लगती है, कभी गर्मी हो जाती है। तो यस गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। कमेंट करके बताना तुम कैसा कंटेंट देखना चाहते हो। अभी तो हम कुछ दोबारा खर्चा करने वाले हैं बड़ा, तो कल हम जा रहे हैं कुछ और नया खर्चा करने बड़ा, तो वो तुम्हें जल्दी वीडियोस में आने में पता चल जाएगा, एक बहुत बड़ा सरप्राइज है तुम लोगों के लिए। क्वालिटी बहुत ऊपर जाने वाली है हमारे वीडियोस की। तो यस, बाय बाय ब्रदर।